गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम इंडिया के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट की बात करेंगे, जिनका नाम श्री प्रणब मुखर्जी हैं। मैं आप लोगों को इसे फुल समझाऊंगी। स्टार्ट करते हैं। श्री प्रणब मुखर्जी इज द 13th and current president ऑफ इंडिया। यानी जो श्री प्रणब मुखर्जी हैं वो इंडिया के 13वें राष्ट्रपति और करंट यानी वो अब के प्रेसिडेंट नहीं है। तो आप यहाँ वॉस लिखोगे। अगर हम प्रेजेंट की बात करें स्टूडेंट्स, तो वो द्रौपदी जी हैं। तो इसलिए आप यहाँ करंट प्रेसिडेंट ना लिखते हुए वॉस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखेंगे, जिसका मतलब होगा कि वो इंडिया के 13वें राष्ट्रपति थे। अगर हम श्री प्रणब मुखर्जी की बात करें, एंड इज इन ऑफिस सिंस 25 जुलाई 2012। याद रखना है, बोला गया है जो 25 जुलाई 2012 तक अपने पद पर रहे थे। इन अ पॉलिटिकल करियर स्पेनिंग 6 decades, यानी अगर हम राजनीति में करियर के 6 दशकों की बात करें, 6 decades यानी 6 दशक, मुखर्जी वॉज अ सीनियर लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। याद रखना है जो मुखर्जी हैं वो काफ़ी प्रमुख नेता रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के, एंड ऑक्यूपाई सेवरल मिनिस्टर पोर्टफोलियो इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके साथ उन्होंने भारत सरकार के काफ़ी सारे मंत्रिमंडल विभागों पर अपना कब्जा कर लिया था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के। बोला गया है पीरियड टू हिज सिलेक्शन एज प्रेसिडेंट, यानी उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव से पहले ही वॉज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इसके साथ वो वित्त मंत्री की पोजीशन पर भी रहे थे। अब ये वित्त मंत्री का काम क्या होता है, जो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का बजट पेश करता है। आगे बढ़ते हैं। 2009 to 2012 तक वो फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री के पद पर कार्य करते रहे थे, एंड द कांग्रेस पार्टी टॉप ट्रबल शूटर। ट्रबल शूटर क्या होता है, यानी अशांति को दूर करने वाला, जो शांति को बनाए रखता है, यानी वो कांग्रेस पार्टी के सबसे ज़्यादा टॉप पर रहने वाले अशांति को दूर करने वाले व्यक्ति थे। तो याद रखना है वो कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट में थे। अब इनके बॉर्न की बात करें, बोर्न इन द विलेज ऑफ मिराती इन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट। तो ये बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के एक मिराती गांव में पैदा हुए थे। विलेज मीन्स गांव, डिस्ट्रिक्ट मीन्स ज़िला, और ये आपको जगह का नाम दे रखा है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के। इस फादर कामदा किंकर मुखर्जी वॉज अ मेंबर ऑफ वेस्ट बैंक लेजिस्लेटिव। तो बोला गया है जो इनके फादर थे कामदा किंगर मुखर्जी, याद रखना है आपको नाम, वो सदस्य थे विधान परिषद के ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल के विधानसभा परिषद के सदस्य थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। इस मदर वॉस राजकुमार लक्ष्मी मुखर्जी। नाम याद रखना है स्टूडेंट्स, क्या नाम है मदर का, राज लक्ष्मी मुखर्जी इनकी मदर का नाम। आफ्टर हिज डिग्री इन लो, यानी उन्होंने लो में डिग्री लेने के बाद प्रणब बिगेन हिज करियर। तो प्रणब मुखर्जी ने अपने करियर की शुरुआत की एस एन अपर डिवीजन क्लर्क इन द ऑफिस, यानी एक डिवीजन क्लर्क जो फाइल रजिस्टर का काम करते हैं, एक क्लर्क के रूप में एक ऑफिस में काम करा, अकाउंटेंट जनरल PNT का, जो कहाँ पर है, कोलकाता में, यानी कोलकाता में उन्होंने डिवीजन क्लर्क के एक ऑफिस में भी काम किया है। डिवीजन क्लर्क याद रखना है जो फाइल रजिस्टर का काम करते हैं। इन 1963 की अगर हम बात करें, ही स्टार्ट टीचिंग पॉलिटिकल साइंस। याद रखना है स्टूडेंट, उन्होंने राजनीतिक विज्ञान को
पढ़ाना शुरू करा। कब? 1963। कहाँ शुरू का किया? एट द विद्यानगर कॉलेज में, याद रखना है विद्यानगर कॉलेज में 1963 में पॉलिटिकल साइंस को उन्होंने पढ़ाना शुरू करा। इन साउथ 24 परगाना बता रखा है जो कहाँ पर है, साउथ 24 परगाना में। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ही ज्वाइन पॉलिटिक्स इन 1969। तो यहाँ बताया गया है राजनीति उन्होंने 1969 में ज्वाइन की थी, याद रखेंगे सभी स्टूडेंट इसे। सीइंग हिज टैलेंट, उनके टैलेंट को देखते हुए, काबिलियत को, कांग्रेस लीडरशिप रिक्रूटेड टू द पार्टी। रिक्रूटेड मीन्स भर्ती, तो कांग्रेस ने उन्हें लीडरशिप के लिए यानी अपने सपोर्ट में भर्ती कर लिया। एंड ही बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा इन जुलाई, और वो राज्यसभा का सदस्य भी बने। कब बने? इन जुलाई, जुलाई में। 1969 की बात करें स्टूडेंट, इसी वाले सन की, तो एंड वॉज री इलेक्टेड, और उन्हें दोबारा चुना गया इन 1975। डेट्स याद रखनी है 1981, 1993, 1999। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 और 9 के बाद 9 ही रहेगा, यानी लास्ट 1999। आगे पढ़ते हैं, ही बिकम अ गांधी फैमिलीज लॉयलिस्ट, यानी वो गांधी फैमिली के सपोर्ट में थे या वो उनके प्रति हमेशा वफादार रहते थे। इन 1980 की बात करें, ही वॉज अपॉइंटेड द लीडर ऑफ द हाउस, तो उन्हें हाउस का नेता भी चुना गया, उन्हें अपॉइंट किया गया। आगे पढ़ते हैं, ही वॉज डिफाइंड एज द टॉप रैंकिंग इंडियन कैबिनेट मिनिस्टर, तो उन्हें जो है डिफाइन किया गया सबसे ऊपर, यानी टॉप रैंकिंग में मंत्रिपरिषद के सबसे टॉप में उन्हें डिफाइन किया गया, याद रखना है आप लोगों को। एंड ही प्रेसिडाइड ओवर कैबिनेट मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और यानी प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री के एब्सेंस, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उन्होंने बैठकें की। कहाँ की? यानी उन्होंने कैबिनेट मीटिंग्स, जिसे हम बैठकें कहते हैं, उन्होंने बैठकों को आयोजित किया, याद रखना है जब प्राइम मिनिस्टर अब्सेंस थे। आगे पढ़ते हैं, हिज करियर रिवीव्ड आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी 1991, तो उनका करियर जो है वो पुनर्जीवित हुआ, वो दोबारा जाग उठा। कब? जब रिवीव्ड यानी हत्या, राजीव गांधी की हत्या के बाद, जो कब हुई? 1991 में हुई। तो इस टाइम पीरियड में प्रणब मुखर्जी दोबारा पुनर्जीवित हुए। इज कंसिडर्ड टू बी अ गांधी फैमिली लॉयलिस्ट, यानी वो गांधी फैमिली के क्या थे? सपोर्ट में थे, उनके लिए हमेशा वफादार रहते थे। द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ सोनिया गांधी एंट्री इनटू पॉलिटिक्स, इसके बाद क्या हुआ, यानी सिद्धांत में जो सोनिया गांधी थी उनकी एंट्री हुई, कहाँ हुई? राजनीति में, पॉलिटिक्स में। ही वॉज मेड प्रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी वो पश्चिम बंगाल की क्या बनी? राष्ट्रपति, यानी वो प्रेसिडेंट बनी कांग्रेस की। कब? 2000 में। एंड हेल्ड द पोजिशन टिल 2010, तो वो अपने पद पर कब तक रही? 2000 से 2010 तक रही। कौन रही? सोनिया गांधी, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ही बिकम द लीडर ऑफ द हाउस ऑफ लोकसभा इन 2004, तो जो प्रणब मुखर्जी थे वो लोकसभा हाउस के नेता बने 2004 में। ही हैल्ड मैनी इम्पोर्टेंट पोस्ट इन मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, क्योंकि उस टाइम पर मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उन्हें उनकी सरकार में काफ़ी सारे ज़रूरी पोस्ट पोजीशन को दिया गया। किनको दिया गया? श्री प्रणब मुखर्जी को। ही एंडेड हिज एफिलिएशन विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके बाद क्या हुआ? श्री प्रणब मुखर्जी जो थे वो
कांग्रेस पार्टी से उन्हें समाप्त कर दिया गया, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से, एंड रिटायर फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ फॉलोइंग हिज सिलेक्शन एज प्रेसिडेंट 2012। तो उनकी जो एक सक्रिय भागीदारी थी वो कांग्रेस पार्टी से रिटायर हो गई उनके चुनाव में राष्ट्रपति के, कब, 2012 में। मीडिया अकाउंट डिस्क्राइब, तो मीडिया ने काफ़ी कुछ डिस्क्राइब करा उनकी हैविंग अ रेपुटेशन, उनकी रेपुटेशन के बारे में बताते हुए, उनकी करंचिंग पॉलिटिशियन, उनकी राजनीति के बारे में विद अ फिनोमिनल मेमोरी, और एक मेमोरी के साथ डिस्क्राइब किया गया किन्हें, श्री प्रणब मुखर्जी को हाई रेपुटेशन से और उनके पॉलिटिशियन यानी राजनीति मेमोरी से, एंड अनरिंग सर्वाइवल इंस्टिंक्ट यानी उनकी एक जीवान छवि को सामने लाया गया कि वो कितने असाधारण यानी कितने सिंपल और कितने हाई रेपुटेशन वाले व्यक्ति थे। आगे बढ़ते हैं। एज फाइनेंस मिनिस्टर ही वॉज क्रेडिट विथ बींग एन ईयरली रिफॉर्मर ऑफ द इंडिया इकोनॉमी। तो उन्हें जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर माना जाता है, याद रखना है आप लोगों को, जब उन यानी उन्हें उन्होंने जल्द से जल्द इकोनॉमी को काफ़ी सुधारा, तो उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर माना जाता है। और इसका सारा क्रेडिट किसे जाता है, श्री प्रणब मुखर्जी, क्योंकि इन्होंने तीन बड़े बदलाव दिए थे, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लेकिन यह इसमें नहीं लिखा हुआ, हम उतना ही पढ़ेंगे जितने इन्फॉर्मेशन इसमें गिवन है। आगे बढ़ते हैं। ऑफ द इंडिया इकोनॉमी, इंडिया की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए इन्होंने ये तीन बड़े कदम उठाए थे। ही इम्प्लीमेंटेड मैनी टैक्स रिफॉर्म, इन्होंने काफ़ी करों में सुधार किया, एंड स्क्रैप द फ्रिंज बेनिफिट्स टैक्स एंड द कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, यानी जितने भी अननेसेसरी टैक्स थे उन सबको रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। मेजर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव प्रेज दिस रिफॉर्म, और उनके इस बदलाव की प्रशंसा भी यानी तारीफ भी की गई। ही एक्सपेंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम, तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कुछ बेसिक सुधार कार्यक्रम को शुरू करा, जैसे सड़कें बनवाना, मेट्रो, रेलवे, बिजली, इन सब सुधारों की उन्होंने शुरुआत की। द बैंकर्स ऑल्सो रिकोगनाइज हिम एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर, तो जो बैंकर्स हैं उन्होंने उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर का खिताब भी दिया है। ही हैज सेवरल एकोलेट्स एंड ऑनर एट दिस क्रेडिट, तो वो इस क्रेडिट के भागीदारी हैं। आगे पढ़ते हैं। ही इज एन एक्लेम्ड राइट विद हॉबीज लाइक, तो अगर हम बात करें कि उन्हें क्या क्या पसंद है, उन्हें रीडिंग करना, गार्डनिंग और म्यूज़िक काफ़ी पसंद रहा है। मे ही लीव लॉन्ग टू सर्व द नेशन, यानी ये उस टाइम पे लिखा गया था कि वो ऐसे ही, जब वो इंडिया के प्रेसिडेंट थे, कि वो ऐसे ही जीते रहें हमारे इंडिया के या हमारी नेशन के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से एसे राइटिंग होती है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।